मैंने ये थोड़ा सा लहसुन छील लिया है, और ये है ऑर्गिनो के सैसे पैक। एक्चुअली मैंने बड़े डिब्बे मंगाए थे, पर डिब्बे मिले नहीं, सैसे पैक ही मिले हैं, तो इन्हीं से काम चला लेंगे। तो ये सैसे पैक हो गए, ये बटर, ये दोनों सामान, तो ये हम मिलाकर इससे बनाएंगे गार्लिक ब्रेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिक्सर से ही कटोरी में इस तरह से इसको पेस्ट बना लिया। हमें बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा इस तरह से हमें पीस लेना है, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे सारे मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे बटर, चिली फ्लेक्स, और हम इसमें करेंगे ऐड ऑर्गिनो, और मैं हर्ब्स भी यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, और कर रही हूँ हरी बारीक कटी धनिया, तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। नमक यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे क्योंकि एक्चुअली बटर में खुद ही ऑलरेडी नमक होता है। तो बस हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम लगा लेंगे ब्रेड पर। तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है, आपको मार्केट जैसे ही स्वाद लगेगा गार्लिक ब्रेड का, तो आप भी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ईजी और बहुत ही क्विक रेसिपी है, बच्चों के लिए आसानी से बन भी जाती है और बच्चों को अच्छी भी लगती है। तो मैंने यहाँ पर बस मौली के लिए यहाँ पर बना दिया गार्लिक ब्रेड, और इस पर हम इसको लगा लेंगे ब्रेड को पूरे, और इसको हम गरम पैन पर सेक लेंगे साइड से। तो बस इस तरह से सेक कर, और मौली को हम इसके पीसेस करके सर्व करेंगे। और देखिए कितनी झटपट से बन भी गई है, तो आप भी अपने बच्चों के लिए एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, शायद उनको भी अच्छी लगे। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ अब मैं इसके कर लूँगी पीसेस, मैं गार्लिक ब्रेड की तरह इसके स्ट्रिप कर लूँगी ताकि खाने में आसानी हो, तो बच्चे ऐसे आसान से सॉस से खा लेते हैं। कैसा लग रहा है आपको गार्लिक ब्रेड मिल गई, और वो भी बिना कहे?